के साथ तालीम दोस्त, मैं हूं सना आगा खान और आज हम मौजूद हैं पीएसए के शेख अरशद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, इंस्टीट्यूट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, इंस्टीट्यूट को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल बात है। आजकल के हालात में इदारों के साथ क्या चल रहा है, आप अपने इदारे के एंड से, आप क्योंकि एक बहुत बड़ी एसोसिएशन चला रहे हैं, आप मुझे बताएं कि आप क्या तालीम का आगे फर्दर क्या निज़ाम है, किस तरह से अब ये चलेगा, किस तरह से हमारे बच्चे सर्वाइव करेंगे, ये सेटअप किस तरह से कंटिन्यू रहेगा? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं टीवी टुडे का और मिस सना आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्राइवेट सेक्टर की आवाज़ को बुलंद करने के बारे में सोचा कि इस आवाज़ को भी हुकामे वाला तक जाना चाहिए कि हमारे क्या मसाइल हैं। हम समझते हैं कि मजमूई तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो तालीम है उसको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा रहा है और बिलखसूस प्राइवेट सेक्टर के साथ बहुत नार्मा सलूक रवा रखा हुआ है इस गवर्नमेंट ने। और जब से ये कोरोना की सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के सारे ही इदारे, सारे ही जो डिपार्टमेंट अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी तरजीहात जो है वो बिल्कुल एजुकेशन तो है ही नहीं। उन्होंने, मैं समझता हूँ कि जितना नुकसान इस गवर्नमेंट ने दो साल में कर दिया है तालीम का, शायद पिछले दस साल में भी ना हुआ हो। इंतहाई अफसोस नाक ये सूरत हाल है कि किस तरीके से सारी पॉलिसी मेकिंग की जा रही है, किस तरीके से एजुकेशन को लेके चला जा रहा है कि अगर इस मौजूदा हालात में देखा जाए कि पहले प्राइवेट सेक्टर जो एक साल से तकरीबन बंद है, एक ही सेक्टर था ना पाकिस्तान के अंदर जो कि तालीम को अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहा था, प्राइवेट सेक्टर, जबकि गवर्नमेंट तो पहले ही, गवर्नमेंट का जो सेक्टर है, गवर्नमेंट के जो स्कूल है सबके सामने है, उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर जो कि पहले से अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा था, मैं समझता हूँ कि एक साजिश के तहत इसको भी तबाह किया जा रहा है। हम ये नहीं कहते कि जी कोरोना नहीं, हम ये नहीं कहते कि ये वाकई एक पाकिस्तान के लिए परेशान कर सूरत हाल है, वाकई है, लेकिन जो जिंदा कौमें हैं, जो कामयाब लोग हैं, वो इन हालात से, इन सिचुएशन से अपने आप को निकाला करते हैं। और देखना यह है कि किस डिपार्टमेंट को, किस इदारे को आपने क्या अहमियत दी है, देनी है। मैं समझता हूँ कि एजुकेशन वो एक फील्ड है कि अगर आप तारीख उठा के देख ली दुनिया की कि जंगी हालात में भी तालीम हमेशा जारी रखी गई है, लेकिन मादरत के साथ हमारी मौजूदा जो हुकूमत है उनकी लगता है कि जैसे ये बिल्कुल भी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे गुजरा तालीम साहिबान हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, शायद इनको टास्क दिया गया कि पाकिस्तान से तालीम को ख़त्म किया जाए, दोबारा से पाकिस्तान को अंधेरों और एक जहालत के दौर में वापस लेके जाया जाए, तो ये एक इंतहाई आप कह लें कि नामनासिब पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से आज ये सेक्टर आप कह लें तबाही के दाने पर खड़ा हुआ है। हमारी बहुत बड़ी तादाद में जो बच्चे वो पहले स्कूलों से आउट हो चुके हैं, कुछ 10,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल बंद हो चुके हैं, लाखों की तादाद में बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो गए जो पहले तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब थे, अब जब दोबारा स्कूल खुले एक साल के बाद तो तकरीबन कोई 18 लाख से ज्यादा बच्चा प्राइवेट स्कूल में वापिस ही नहीं आया। तो देखना यह है कि हम बाहसियत कौम किस तरफ जा रहे हैं, हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, बच्चों का क्या, हमने देखा कि जब 2 माह स्कूल खुले तो बच्चों की जो आप कह लेंगे इखलाकी इकदार है वो तबाह होकर रह गई है कि साल बच्चे फ्री रहे हैं, उस फ्री रहने के क्या उनकी जिंदगियों पे असरात मरतब हुए हैं और आगे आने वाले टाइम पे हमारे माशरे में क्या होगा। फिर हम कहते हैं कि माशरे में बहुत सारा बिगाड़ है, बहुत सारे जिसे कहते हैं कि बुराइयां हैं, तो इन्हीं तरीकों से बुराइयां जन्म लेते हैं। जब हमारी कौम, जब हमारे कौम के बच्चे साला साल फ्री रहेंगे तो वो क्या करेंगे, जाहिर बुराइयों की तरफ जाएंगे। तो मैं लाजमी तौर पे कहना चाहूंगा कि पॉलिसी मेकर्स को कि बराए मेहरबानी अगर आप बात करते हैं कोरोना को फैलाओ के वाले से, तो मैं समझता हूँ कि स्कूल ने तो हमेशा SOPs को फॉलो किया है, जबकि आपके अपने जो जलसे हैं, आपकी जो अपोजिशन के जो जलसे हैं, उन्होंने कोरोना को बढ़ाया है। तो आपकी मेहरबानी, जो आपका गलत फैसला है, इसे फौरी तौर पर खत्म किया जाए, दोबारा से स्कूलों की रौनकों को बहाल किया जाए। अच्छा ये बताएं कि एक साल जो पहला हमारा फेज था कोरोना का, उसके बाद फिर सेकंड फेज, अब ये थर्ड फेज, ये थर्ड फेज जो है ये हमें किस लहर पे लेके आ रहा है? बच्चों का बिल्कुल माइंड नहीं है अब, क्योंकि मैं भी चीज़ों को देख रही होती हूँ, बच्चे पढ़ाई की तरफ नहीं आ रहे, उनका स्कूल जाने का बिल्कुल वो नहीं होता, ऑनलाइन क्लासेस इज जस्ट लाइक अ फन, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, एक तो आपने ये देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस पाकिस्तान में कितने परसेंट लोग कर पा रहे हैं, बिल्कुल एक तो बहुत थोड़ी तादाद में ऑनलाइन क्लासेस जो इलीट क्लास है जो कि इन क्लासेस से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं।
बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे। आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान में कितने परसेंट लोग नेट यूजर हैं, फिर पाकिस्तान के दूरदराज के इलाकों में जहां ये बात सिरे से ही बच्चों की या वालदैन की सोसाइटी में इस तरीके से है ही नहीं कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि कितने परसेंट है, तो एक बहुत बड़ी तादाद जो ना पहले ऑनलाइन से आप कह लें दूर है। दूसरी तरफ अगर आप ऑनलाइन कहते देखें, अगर ऑनलाइन से गुजारा हो सकता होता तो फिर स्कूल क्यों बनते, कॉलेज यूनिवर्सिटीज क्यों बनती। जो तालीम दस गांव के अंदर होती है वो ऑनलाइन भी किसी सूरत में उस तरीके से नहीं हो सकती। हाँ, हम एज ए उस्ताद, हम एज ए एजुकेशनिस्ट पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो मर्जी कर रही है, लेकिन हम अपने ताई कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम अपने कौम के इन बच्चों की जो तालीमी नुकसान है उसको मिनिमाइज किया जाए, तालीमी नुकसान से बचाया जाए किसी भी तरीके से। तो मैं समझता हूँ तो ऑनलाइन का सिलसिला डेफिनेटली जो एक बड़ी थोड़ी तादाद में बच्चे उससे इस्तेफादा कर रहे हैं, उससे डेफिनेटली जो बहुत सारा नुकसान होना था थोड़ा उसे बचाव हो रहा है, लेकिन वही बात है कि पोर्शन कितना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस पीरियड में ऑब्वियसली बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, तो क्या आप लोग टीचर्स की ग्रूमिंग या प्रिंसिपल या अपने इंस्टीट्यूट की ग्रूमिंग के लिए क्या क्या इकदाम कर रहे हैं? देखिए, चूंकि हमारा प्राइवेट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर को डेफिनेटली अपनी बका की हमेशा से फिक्र रहती है, मैं समझता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट गलत पॉलिसी बनाते हैं, जो भी हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो गलत पॉलिसीज बनाते हैं, जबकि हम लोग अपनी सर्वाइवल के लिए दूर कुछ प्लानिंग्स कर रहे होते हैं कि अगर हमें टाइम मिला है तो हम किस तरीके से ऑनलाइन के थ्रू बच्चों को एजुकेट करें, किस तरीके से अपनी टीचर्स की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उन पे हम अपना वर्क कर सकें। तो सो जितना भी प्राइवेट सेक्टर है बेशक वो बहुत सारा परेशान है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चों की सेफ्टी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और अपने उस्ताज़ा इकराम की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए दीगर डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे जो प्रोग्राम हमारे टीचर्स के लिए ऑनलाइन चल रहे हैं, बहुत सारे थ्रू क्लासेस भी चल रहे हैं एसओपीज को फॉलो करते हुए। तो प्राइवेट सेक्टर पहले जैसे आगे था इंशाल्लाह, बेशक ये बहुत बड़ा क्राइसिस से गुजर रहा है, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की वजह से, अपनी ट्रेनिंग की वजह से वो इंशाल्लाह हमेशा आगे रहेगा। अभी भी जाहिर इसी तरीके से हमारी ट्रेनिंग मुख्तलिफ जगहों पर चल रही है जिससे कि हम टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और हमारा ये टॉपिक भी है कि हमने इस डिजीज से, इस बीमारी से अपने आप और अपने बच्चों को कैसे बचाना है, और इन हालात में अपने बच्चों की स्टडी को कैसे लेके चलना है, और आने वाले टाइम पे अपने बच्चों के मैनर एटिकेट्स पे जो उनके अखलाकियात पे बुरा असर पड़ रहा है उसको कैसे खत्म करना है। आप माशाल्लाह अपनी जगह पे बहुत स्टेबल है, मगर आप मुझे ये बताएं कि जो स्कूल्स और जो इदारे बंद हो गए हैं और आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं इन चीजों को लेके? जी देखिए, प्राइवेट सेक्टर तो आप कह लें कि उनकी तो स्टोरी इस वक्त बड़ी दर्दनाक है। बहुत सारे दोस्त हमें मिलते हैं, बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो बेचारे 30-30 साल से शोबा तालीम से वस्ता थे, लेकिन आज वो उनके स्कूल बंद हो चुके हुए हैं। बहुत सारे स्कूल बंद होने की वजह से लाखों की तादाद में जो टीचर्स हैं वो बेरोजगार हो गए हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आलमी है। जहां तक आप हमारी बात करते हैं तो यकीन जाने कि हम भी बहुत परेशान हैं, हमें भी बहुत सारे मिसाइल का सामना है। हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो रेंटेड बिल्डिंग्स हैं, उन रेंटेड बिल्डिंग को डेफिनेटली हम जब किराए पे नहीं करेंगे तो कब तक वो बर्दाश्त करेंगे। अगर हम अपनी बात करें स्टाफ की, तो बड़ी मुश्किल बात है कि हम किस तरीके से अपने स्टाफ को, अपने टीचर्स को, अपने जो ग्रेड फोर के जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको कैसे लेके चल रहे हैं। तो ये एक मुश्किल काम है, और कब तक हम लेके चलते रहेंगे, जाहिर हमारी हद कब तक होगी। तो ये हमारे लिए बहुत आप कह लें कि तशवीशनाक सूरत हाल है। एक तरफ हमारी कौम के बच्चों का शदीद नुकसान हो रहा है, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी तादाद में, मैं ओवरऑल बात करूँ प्राइवेट सेक्टर की, तो जो हमारे प्राइवेट टीचर्स हैं बहुत बड़ी तादाद में, जब स्कूल बंद हो गए तो हमारे टीचर्स भी बेरोजगार हो गए। मैं यहाँ इमरान खान साहब से बिलखसूस ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके सपोर्टिंग में बहुत बड़ी तादाद पढ़े लिखे लोग और इसी मिडिल क्लास के जो टीचर्स हैं, जो हम लोग हैं, उन्होंने आपको ज्यादा सपोर्ट किया तो आप इस चेयर पे पहुंचे हैं। अगर आप इनके बारे में कुछ नहीं सोचते तो खान साहब जाहिर फिर ये लोग तो आपके बारे में सोचेंगे ना। अच्छा, बीइंग अ प्राइवेट सेक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन होने के नाते आप ये बताएं कि स्कूल्स अपने एंड से क्या बताते हैं अपने गवर्नमेंट को, क्या किस तरह से सेटिस्फाइड करते हैं कि हम बच्चों का भी ख्याल रखेंगे, हम एसओपीज को भी फॉलो करेंगे और ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हम फॉलो करके बच्चों को बस भेजा जाए स्कूल? देखिए, यहाँ तो मैं मुरादराज साहब का जरूर जिक्र करूंगा, जो डेफिनेटली मोस्टली तो उनकी जो पॉलिसीज है वो प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट ही होती है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जरूर हक सच की बात की है कि जो हमारे स्कूल्स हैं वो एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट को बारहा ये बावर करवा चुके हैं कि हम पढ़ा लिखा तबका है और हम एसओपीज को अच्छे तरीके से फॉलो करना जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी स्कूल से ऐसी कोई कंप्लेन किसी भी इदारे को नहीं मिल रही कि जी लोग जो प्राइवेट सेक्टर है वो एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहा। हमारी यही समय कामे वाला से रिक्वेस्ट है कि जितने एसओपीज स्कूलों में फॉलो हो रहे हैं कहीं में भी फॉलो नहीं हो रहे। मैंने कल यानी लास्ट इवनिंग मैंने
अटेंड किया, वलीमा अटेंड किया, वहां तकरीबन आप कह लें कि अलग अलग उनके दो हाल थे, मेल के लिए फीमेल के लिए, मजमुई तौर पर आप कह लें कि 600 की करीब गैदरिंग थी, उसमें एक भी बंदे ने मास्क नहीं पहना हुआ था हॉल में 600 लोगों की गैदरिंग में। तो हमारे स्कूल में तो जाके देखिए एक बच्चा भी बगैर मास्क के नहीं होता। घर अभी आपको इंटरव्यू देने के लिए मैंने अपना मास्क उतारा हुआ है, अदरवाइज हम आज भी खाली स्कूलों में बैठे हुए फिर भी मास्क को आदत पड़ गई है, क्योंकि उस्तादा इकराम ने बच्चों ने ये बात जेहन में बिठा ली कि ये हमारे यूनिफॉर्म का पार्ट है और ये हमारे लिए लाजमी है। जिन्होंने एसओपीज को फॉलो किया उन्हीं के खिलाफ आप कह लेंगे आपकी ज्यादा सारी प्लानिंग चल रही है, जबकि आप शॉपिंग मॉल उठा के देख लें, आप दीगर हमारे सारे बाजार उठा के देख लें, किसी भी जगह पे चले जाए कोई आपको एसओपीज फॉलो करते नजर नहीं आते। जिन्होंने एसओपीज को फॉलो किया है उन्हीं के साथ ये बुरा हाल किया जा रहा है। ये वही बात है कि जी जिसने सबकी याद किया उसे छुट्टी ना मिले। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। अब आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, स्कूल ओपन होने चाहिए और उसके एसओपीज तो आपने बता ही दिए कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट के एंड से आप क्या एक मैसेज दें, इमरान खान को दें या फिर वजीर तालीम को दें, क्या आप कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं एनसीओसी के सारे जो हमारे अहदेदार हैं उनसे भी, वजीर आजम साहब से भी और इसी तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से और हमारे चीफ जस्टिस साहब से भी सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ब्राह मेहरबानी, बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर है पूरे पाकिस्तान में, जो आप जो आपके इन जो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी वजह से शदीद बहरान का शिकार है। ये सिर्फ सेक्टर शिकार बहरान का शिकार नहीं है, मजमुई तौर पर आप देखेंगे कि कौम बहरान का शिकार होगी। जब इतनी बड़ी तादाद में बच्चे बाहर होंगे, उस्तादा इकराम बेरोजगार होंगे, तो वो तबका जिसने माशरे को ठीक करना होता है, अगर वो खुद ही आप कह लें कि परेशानी के आलम में, तो माशरा कैसे ठीक होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी कि हालात जैसे भी हैं आप तालीमी सिलसिले को मत रोकें, तालीम को स्कूल्स को ओपन किया जाए, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से अवेयरनेस दी जाती है, जहाँ से टीचर उस्तादा इकराम बच्चों को बता के देते हैं कि बेटा आपने किसी शादी में जाना, आपने किसी मॉल में जाना, तो आपने ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ये वो सब। अगर आप यही जो जहाँ से अवेयरनेस दी जा रही है उन्हीं जगहों को बंद कर देंगे तो कैसे आप अपने काम को लेकर बढ़ सकेंगे। मैं चाहूंगा कि फौरी तौर पे जहां जहां भी स्कूल्स क्लोज किए गए हैं उनको ओपन किया जाए, तालीम का सिलसिला विद एसओपीज फौरी तौर पर शुरू किया जाए, अदरवाइज हम इतना नुकसान कर बैठेंगे कि जो कि हमें सालों हमें उसके नतीजे भुगतना पड़ेंगे। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट की क्या आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट को किस तरह से इन लोगों को, प्राइवेट सेक्टर वालों को हैंडल करना चाहिए? जी बिल्कुल, हमारी रिक्वेस्ट है सर हुकमे वाला से कि जैसे आप एहसास प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के दीगर बहुत सारे लोगों को आपने फैसिलिटेट किया है इस मुश्किल हालात में, जितने भी प्राइवेट टीचर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, ज़ाहिर डाटा आप लोगों के पास है, डाटा आप ले भी सकते हैं, हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि उन टीचर्स के साथ भी ज़रूर उनके साथ भी तावन किया जाए एहसास प्रोग्राम की तरह ही। और दूसरा, आप चार साल एक हो गया है जब से कोरोना की सिचुएशन स्टार्ट हुई, आपने बहुत सारे इदारों को, बहुत सारे महकमों को फैसिलिटेट किया है गवर्नमेंट ने, स्पेशली अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़ाहिर जो एजुकेशन है वो आपकी प्रायोरिटी में होनी चाहिए, कि यहाँ पे अगर जो प्राइवेट सेक्टर जो तबाही के दहाने पे है आप उसे सपोर्ट करें। आप किस सेंस में सपोर्ट कर सकते हैं? बहुत सारी हमारी बिल्डिंग रेंट की हैं, आप रेंट के वाले से सपोर्ट किया जा सकता है, बहुत सारे टैक्सेस हैं आपके, इलेक्ट्रिसिटी है, दीगर बिल्स हैं, लेकिन हमें पूरे साल में किसी किस्म की कोई फेवर नहीं दी गई। तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सेक्टर को भी सपोर्ट किया जाए ताकि अपने पाँव पे दोबारा से खड़ा हो सके, और दूसरे नंबर पे इस सेक्टर को ओपन किया जाए ताकि हम अपनी मदद आपके तहत भी अपने कामों को अच्छे तरीके से लेके आगे बढ़ सके। थैंक यू। इसके साथ ही ये थे हमारे साथ शेख अरशद अटारा साहब, और हम इनके ही स्टाफ के साथ मिलके बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, यहाँ पे टीचर्स भी हैं, वॉचमैन भी हैं, डिफरेंट लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किस मसले को फेस किया है इस पीरियड में। मेरे साथ मौजूद है अनीला। अनीला स्कूल में कोऑर्डिनेटर है। अनीला, आप ये बताएं कोरोना की वजह से जिस तरह स्कूल्स बंद हो गए, टीचर्स जॉबलेस हो गई हैं, आप बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है? कोविड-19 की जो सिचुएशन अभी इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है, ना सिर्फ उसको फेस कर रहे हैं हम, बल्कि साथ साथ जो भी हमें अप्स एंड डाउन्स हमारे आ रहे हैं उनको भी हम खुद फेस कर रहे हैं, अपने स्टाफ को भी साथ लेकर चल रहे हैं। इसकी वजह से ना सिर्फ हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो बच्चों की तालीम पे इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो अलग से हैं। देखें, एक क्लास का एनवायरनमेंट होता है, उसमें बैठकर क्लास में
स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करते हैं, टीचर प्रॉपर तरीके से लेक्चर डिलीवर करती हैं, वो एक और एनवायरनमेंट होता है। इसके अपोजिट साइड पर अगर हम देखें घरों में ऑनलाइन लेक्चर्स ना सिर्फ हम लोग दे रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन लेक्चर्स कितने पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को दिखा पा रहे हैं? काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल्स नहीं हैं, एंड्रॉयड, अगर मोबाइल्स हैं तो फिर एक घर में एक सेलफोन है, ठीक है। और हालात के पेश नज़र अगर देखा जाए, जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पेरेंट्स अभी इस कंडीशन में हैं कि एक घर में दो दो तीन तीन एंड्रॉयड फ़ोन्स जो हैं वो अफोर्ड कर सकें, और अगर हैं भी तो किसी ना किसी वजह से कंप्लीट ऑनलाइन अटेंडेंस हो ही नहीं पा रहे। अजय नीला, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि बीइंग अ टीचर, आप लोगों की सैलरी में बहुत से स्कूल्स और डिफरेंट जगहों पर मैंने देखा है स्कूलों टीचर्स को निकाल दिया गया है, ऑब्वियसली स्कूल बंद हो गए हैं, आप किस तरह से इस चीज़ के साथ फेस किया आपने ये टाइम? ऑब्वियसली आपकी भी सैलरी में, जब सैलरी पूरी नहीं तो कम तो हुई होगी ना, उस चीज़ को आपने कैसे किया है अपने साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं बाकी स्कूल्स की बात करूं तो बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो टीचर्स को फ्री कर चुके थे, और हम अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो हमारे चेयरमैन साहब अरशद अटारा साहब जो हैं, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट भी किया और हमने भी उनके साथ कोऑपरेट किया, चाहे हमें परसेंटेज पे ही सैलरी मिली है। ना सिर्फ मैनेजमेंट ने कोऑपरेट किया, हमारे स्टाफ ने भी हमारे साथ भरपूर तामन का जो है वो मुजाहरा किया है। ये उस्ताद ही हर दफ़ा बलि का बकरा क्यों बन रहा है? ये आपने कुछ आप अपने बारे में बताया कि क्या मतलब टीचर्स के बारे में, इंस्टीट्यूट्स के बारे में ऐसा क्यों हो रहा है? मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होने वाला तबका है वो तालीम का तबका है। आप हॉस्पिटल्स में चली जाएं, आप मैरिज हॉल्स में चली जाएं, आप ब्यूटी सैलॉन्स में चली जाएं, इस तरह के बेशुमार इंस्टीट्यूट्स और फर्म्स हैं जहाँ पर आप जाकर देखेंगी ना तो SOPs प्रॉपर फॉलो हो रही हैं, ठीक है, और ना ही वो प्रॉपर गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली टाइम को फॉलो कर रहे हैं। क्या वहाँ कोरोना वायरस नहीं है? है, वहाँ भी है, वो भी पाकिस्तान के अंदर ही इंस्टीट्यूट्स आते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है तो सिर्फ स्कूल्स को टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो दरम बरम हो रहा है, बल्कि हमारी आने वाली नस्लें भी, हमारा एक पूरा सेक्टर तबाह हो रहा है, क्योंकि तालीम प्रॉपर नहीं जाएगी बच्चों को तो शोर नहीं आएगा, शोर नहीं आएगा तो ऑब्वियसली छोटी से छोटी चीज़ इफ़ेक्ट होगी, ना हम कारोबार कर सकते हैं, ना हम हॉस्पिटल्स में अपना कोई भी स्टाफ हायर कर सकते हैं, तालीम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग फील्ड में आप चले जाएं, किसी भी फील्ड को ले लें, कोई भी फील्ड टीचर के बगैर स्टार्ट नहीं होती, टीचर का और स्टूडेंट का आगे चलना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी नहीं हो पा रहा। तो हम हुकूमत से यही अपील करेंगे कि आप खुदारा स्कूल्स को ओपन करें। वैसे तो एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस हमारे ऑफ थे, लेकिन आज मुझे अचानक कॉल आई तो मैं बड़ी हैप्पी थी कि शायद स्कूल ओपन हो गए हैं, हमें स्कूल से कॉल आ गई। लेकिन जब मैंने कॉल अटेंड की तो मुझे पता चला कि आप जो हैं वो हमारा इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, वेरी थैंक यू टू यू एंड टू योर चैनल कि आपने हमारी बात सुनी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी तमाम लोग भी हमारी इस अपील को सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे। इसके साथ हमारे पास एक और टीचर है इसी स्कूल की, पूछते हैं उनसे कि उनको किन मसाइल से गुजरना पड़ा। जी मेरे साथ मौजूद है इसी स्कूल की एक और टीचर। टीचर किस तरह से सर्वाइव कर रही है, अपना सर्वाइवल कैसे निकाल रही है, इनसे पूछते हैं। जी सना, कैसी हैं आप? अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सना, आप मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली जब चीज़ें मिनिमाइज होती हैं, सैलरीज रिडक्ट हो गई हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस है बीइंग अ टीचर? अपना डर जो अंदर का खौफ है ना वो बता दें। जैसा कि आपको मालूम है COVID-19 की वजह से तमाम मुल्क के हालात ख़राब हैं, जिसके सबसे बड़ा जो इदारा मुतासर, डिपार्टमेंट मुतासर हुआ है वो एजुकेशन का है। बहुत से लोगों ने अपने स्टाफ मेम्बर्स को फ्री कर दिया, ऑफ कर दिया हालात को देखते हुए, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब ने हमारे स्टाफ में से किसी को भी फ्री नहीं किया, और बहुत अच्छे परसेंटेज पे हम कर रहे हैं काम। लेकिन बीइंग अ टीचर एक डर है, एक खौफ है कि कब तक हमारे चेयरमैन साहब हमें इस तरह लेके साथ चल पर चलेंगे। और
ये हमें लम्हा बा लम्हा यही खतरा रहता है कि मज़ीद स्कूल ओपन होंगे कि नहीं, हमारी जॉब सिक्योर है कि नहीं। एज अ टीचर या एज अ पेरेंट्स, एज अ मैं इस चीज़ को देखती हूँ कि जो लोग इस इदारे से या तालीम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ में खौफ है कि हम कैसे अपने एक्सपेंसेस करेंगे। ठीक है, फिनेंशली हम वीक हो रहे हैं, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है कि खुदारा स्कूल को खोल दिया जाए ताकि हम अपने स्टाफ और अपने बच्चों को लेके साथ चल पाए। एक उस्ताद का गिरना पूरी मईशत का गिरना है, ये थी हमारे साथ एक टीचर। अब इसी स्कूल के वॉचमैन जो कि अपनी ही नौकरी की कश्मकश में है, क्योंकि इदारा जो सब बोझ उठाए हुए कब तक उठा सकता है, उनसे हम पूछते हैं कि उनको क्या डर खौफ है इंस्टीट्यूट अगर खुदा ना खास्ता बंद हो जाए तो किस तरह सर्वाइवल निकलेगा। जी, तो मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद सरवर साहब जो कि यहाँ के बहुत ही पुराने वॉचमैन हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, बच्चों की सिक्योरिटी का और स्कूल की अमन व अमान का ख्याल रखते हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके क्या डर खौफ हैं कि किस तरह से अब वो सर्वाइवल निकालेंगे, अपना क्या इंस्टीट्यूट चलेगा या उनकी नौकरी अब सेफ है, क्योंकि इदारा अगर नुकसान में आया तो फिर ऑब्वियसली हर बंदे की नौकरी, और सबसे ज़्यादा इस तरह की जो मतलब हमारी आवाम है जो मंथली कमा रही है और अपने घर लेके जा रही है, उनके साथ किस तरह से ये सर्वाइव करेंगे। जी मोहम्मद सरवर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं ड्रीमलैंड का गार्ड हूँ, सिक्योरिटी गार्ड, और मैं बच्चों का बहुत ख्याल रखता हूँ। उनके लिए मास्क भी, हम बगैर मास्क के अंदर नहीं आने देते, उनको सैनिटाइजर उनको लगाते हैं, हम उनको सब सहूलतें देते हैं, लेकिन उसके बाद स्कूल बंद हो जाते हैं और फिर हमारी नौकरी का मसला है, हमारे चूल्हे ठंडे पड़ रहे। लेकिन हमारे चेयरमैन साहब हैं शेख अरसद अटारा साहब, वो हम साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कब तक लेके चलेंगे, हमें डर है कि कभी भी हमें जवाब हो सकता है, इसलिए हमारे चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे या पड़ रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट से जो है दरख्वास्त करते हैं, वज़ीर तालीम से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे स्कूल खोले और हमारी रोज़ी रोटी चलती रहे और हमारा जो है काम चलता रहे। अच्छा, जिस तरह हमने टीचर्स ऑनर सबकी बात की है, इस तरह सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला तबका हमारे स्कूल का स्टाफ है जो कि सफाई में वाला अमला है। आपस में हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस कोरोना ने आपको भी मुतासर किया है। जी अब अफरीना, आप ये बताएं कि कोरोना ने आपके घर के मामलात और आपके नौकरी के मामलात, इनको कैसे मुतासर किया? कोरोना ने हमें बहुत तंग किया है, हम कहते हैं क्योंकि ये तीसरी लहर है, लेकिन हमारे घर के हालात ये हम भी जानते हैं कि कैसे पूरे करते हैं। तो ये हमारे सर की मेहरबानी है कि वो हमें अपने साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन कब तक चलेंगे? मैं खुद अकेली घर में कमाने वाली हूँ, लेकिन मैं कैसे खर्चा पूरा करूँ अपने बच्चों का, या अगर स्कूल बंद होते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारे दाल रोटी इसी से चलता है। और रही बच्चों की सवाल, तो देखें स्कूल बंद है तो बच्चों की तालीम का इतना हर्ज हो रहा है कि बच्चे स्कूल तो बंद हो कर रहे हैं कि कोरोना 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 स्कूल में बच्चों को कोरोना, लेकिन जो बच्चे बाहर खेलते हैं एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं या कुछ भी, उस वक्त कोरोना नहीं होता उनको, वो ये नहीं सोचते कि बच्चे चलो स्कूल में हैं वो सेफ हैं, कि एक जगह बैठे हुए हैं इधर, हालांकि हम उनको सैनिटाइजर सब कुछ कर रहे हैं, एहतियाती तदाबीर जो भी हैं, लेकिन ये जो बाहर फिरते हैं उनसे बेहतर है कि स्कूल में रहें। जैसे हम घर में उनको रख सकते हैं तो स्कूल में भी एक किस्म के वो एक जगह पे बैठे हुए हैं। तो मेरी हुकूमत से यही अपील है कि प्लीज़ स्कूल ना बंद करें, क्योंकि इससे हमारे घर का बहुत हर्ज होता है और बल्कि बच्चों की पढ़ाई का भी बहुत हर्ज हो रहा है। कोरोना की वजह से बिगड़ते हुए हालात और सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाले तालीमी इदारे, ये बिल्डिंग्स, ये इमारात कब तक अपना खुद से भार उठाती रहेंगी? आखिरकार इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को साथ देना पड़ेगा इन प्राइवेट सेक्टर वालों का। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम गवर्नमेंट के इदारों से कि तमाम स्कूल्स का साथ दिया जाए ताकि ये हमारी जो बुनियाद है मजबूत रहे। इसके साथ ही अपनी मेज़बान सना आगा खान को इजाज़त दीजिए। स्टे ट्यून्ड विद मी। अल्लाह हाफ़िज़।